हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टेक पॉली। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कल हमने अपना तीसरा चैप्टर सर्वे का कंपास सर्वे स्टार्ट कर दिया था और कंपास सर्वे की हमने लगभग आधी थ्योरी कवर कर ली थी। तो उसका जो बचा हुआ पार्ट था, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था इस कंपास सर्वे में, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। तो सबसे पहले हमने कंपास सर्वे की डेफिनेशन देखी थी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इसके बाद मेरिडियन एंड बियरिंग देखा था इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हमने बात की थी दोस्तों। मैं एक बार आपको बता दूं बस क्या क्या देखा था, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड बियरिंग्स देखा था, ठीक है, जिसमें हमने ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन, ये सब पढ़ा था। और इसके बाद फिर हमने बात की थी टाइप ऑफ कंपास की। दो टाइप के कंपास हमने पढ़े थे, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, दोनों में डिफरेंस देखा था। ये सब हम ऑलरेडी कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने आई होप सो देख लिया होगा क्लास को, ठीक। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था दोस्तों, हाँ, सिस्टम ऑफ मेजरिंग बियरिंग्स पढ़े थे, यानी डब्ल्यू सी वी सिस्टम और क्यू वी सिस्टम, ये देखा था कल की क्लास में। फिर और आगे हमने इसके बाद इन दोनों में कंपेरिजन देखा था और इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम कल कंप्लीट कर चुके थे और मैंने ये कहा था कि यहाँ से आगे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वहीं से आगे पढ़ेंगे आज। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, उसका नाम है बियरिंग्स ऑफ ए लाइन, यानी कि फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि फॉर बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है। आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए क्या होता है फॉर बियरिंग और क्या होता है बैक बियरिंग। तो जैसे सपोज डैट ये कोई लाइन है, हमें ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, यानी यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमें ए से बी की तरफ सपोज कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, हमें कोई सर्वे कार्य करना है अपना ए से बी की तरफ, समझ पा रहे हैं आप। तो फॉर बियरिंग, बियरिंग तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बियरिंग मतलब होता है एंगल। बियरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, एंगल होता है जो कि मेरिडियन से नापा जाता है या नॉर्थ डायरेक्शन से जो नापा जाता है, आपको पता है बियरिंग का मतलब। अब अगर हम फॉर बियरिंग की बात करें, फॉर, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है यहाँ, फॉर एफ ओ आर ई होना चाहिए, ई लगा लेना आप, ठीक है, फॉर बियरिंग। तो फॉर बियरिंग में दोस्तों क्या होगा कि सर्वे कार्य की ओर, जिस दिशा में आप सर्वे कार्य कर रहे हैं, सर्वे कार्य की दिशा की ओर क्षैतिज कोण जो बनता है उसको कहते हैं फॉर बियरिंग। बिल्कुल सिंपल सा, क्या जैसे ये कोई नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इस नॉर्थ डायरेक्शन से यानी प्रारंभिक बिंदु पर सर्वे कार्य की दिशा की ओर जो क्षैतिज कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम फॉर बियरिंग, समझ पा रहे हैं, फॉर मतलब आगे की तरफ, ठीक है। अब बैक बियरिंग का मतलब क्या, बैक मतलब पीछे की तरफ, यानी जिस दिशा में आप सर्वे कार्य कर रहे थे, आगे की ओर सर्वे कार्य कर रहे थे, तो इसके विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब पीछे की तरफ, जैसे बी पॉइंट पर सपोज ये कोई नॉर्थ डायरेक्शन है, बी पॉइंट पर यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ से और किस बी से ए की तरफ, इधर बैक दिशा में, ठीक है, बैक डायरेक्शन में, तो ये जो क्षैतिज कोण बनेगा, सपोज हमने मान लिया बीटा बन रहा है, तो इस बीटा को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको बोल देंगे बैक बियरिंग। तो फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग की डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि सर्वे कार्य की दिशा की ओर जो क्षैतिज कोण बनता है उसे कहते हैं फॉर बियरिंग, और सर्वे कार्य की विपरीत दिशा की ओर, जिधर कार्य आगे की ओर बढ़ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं, क्षैतिज कोण लेते हैं, वो होता है बैक बियरिंग। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए पहले हम थ्योरी में एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्योरी में देखिए क्या लिखा है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है फॉर वियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इजीली, एक लाइन का हमेशा सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में क्षैतिज कोण फॉर वियरिंग होता है, समझ पा रहे हैं आप फॉर वियरिंग क्या होता है। तो मैंने यहाँ स्टार बना के लिखा है, लाइन ए वी के पॉइंट ए पर फॉर वियरिंग बराबर एल्फा है। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ डायग्राम इसका, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देखिए डायग्राम समझ लेंगे आप इजीली। तो यहाँ मैंने क्या बताया, सपोज ए से बी की तरफ सर्वे कार्य कर रहे हैं आप, तो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो जो क्षैतिज कोण बना है ये वाला सर्वे कार्य की दिशा की ओर, उसको क्या बोल देंगे फॉर बियरिंग, यानी एल्फा क्या है यहाँ पर, ए बी लाइन का पॉइंट ए पर एल्फा है फॉर बियरिंग। और अगर बीटा की बात करें दोस्तों, आप बीटा को देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ से और ए बी लाइन के बैक दिशा में जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम, बैक बियरिंग कहेंगे, समझ पा रहे हैं डायग्राम में आप इजीली। तो देखिए यहाँ से आप थ्योरी पढ़ी चुके हैं इसकी, यानी एक लाइन का हमेशा सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में, यानी प्रगति की दिशा में बात करें, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे के बारे में कहें, तब तो कहेंगे फॉर बियरिंग, ठीक है, उसकी दिशा में। और अगर इसकी दिशा के विपरीत बोले, देखिए यहाँ देखिए दूसरा बैक बियरिंग देख लीजिए आप, एक
पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन होता है, हिंदी थोड़ी सी अजीब है इसकी, आप इंग्लिश में समझिए। बैक वियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी बैक वियरिंग किसी लाइन का एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, यानी अपोजिट का मतलब जिस दिशा की ओर आप कार्य कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो होता है बैक वियरिंग, यानी एक पंक्ति का बैक वियरिंग सर्वेक्षण की प्रगति के विपरीत दिशा में क्षैतिज कोण होता है। ध्यान रहेगा विपरीत दिशा में, याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वे की प्रगति की दिशा में कहे तो फॉर वियरिंग होगा, ठीक है, और विपरीत दिशा में कहे तो बैक वियरिंग होगा। तो लाइन ए बी के पॉइंट बी पर बैक वियरिंग क्या थी, तो ए बी लाइन के पॉइंट बी पर बैक वियरिंग बीटा है, तो वही मैंने यहाँ दिखा रखी है कि लाइन ए बी के पॉइंट बी पर बैक वियरिंग बीटा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, आई होप सो, इस डायग्राम में भी आप क्लियरली समझ सकते हैं और डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ के सुना दी, आप समझ गए होंगे फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग क्या होती है। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें रिलेशन, इस रिलेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन से मतलब ये है, अगर इस लाइन का आपको सपोज यहाँ पर फॉर वियरिंग की वैल्यू दे दी जाए, सपोज मैंने यहाँ पर 30 डिग्री दे दी और मैं कहूँ आप मुझे बैक वियरिंग बताइए दोस्तों बैक वियरिंग क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। सॉरी, तो इन दोनों में रिलेशन के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर डब्ल्यू सी बी सिस्टम में, मैंने आपको डब्ल्यू सी बी क्यू बी दोनों सिस्टम पढ़ाए थे, डब्ल्यू सी बी सिस्टम में केवल एंगल दिया होता है डायरेक्शन नहीं दी होती है, तो अगर डब्ल्यू सी बी सिस्टम में आपको फॉर वियरिंग दे रखी है और आपको बैक वियरिंग निकालनी है, तो इस केस में आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो फॉर वियरिंग दी होगी आपको उसमें प्लस माइनस 180 डिग्री करना है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो प्लस माइनस से मतलब ये है जब जो आपको फॉर वियरिंग दे रखी होगी अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी दोस्तों, अगर 180 से कम होगी तब तो हम क्या करेंगे फॉर वियरिंग में 180 जोड़ देंगे। ध्यान से सुनना आप, बैक वियरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर वियरिंग में 180 ऐड कर देंगे अगर फॉर वियरिंग की वैल्यू 180 से कम दी गई होगी तो, और अगर फॉर वियरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा दी गई होगी, 180 से भी ज़्यादा दे रखी है तो बैक वियरिंग निकालने के लिए हम 180 माइनस कर देंगे फॉर वियरिंग में से। तो समझ पा रहे हैं आप, यहाँ मैंने फॉर्मूला दिखा रखा आपको इजीली, यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं क्या होता है बैक वियरिंग, बी बी मतलब है यहाँ पर बैक वियरिंग इक्वल टू फॉर वियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो प्लस कब करना है आपको, जब वैल्यू कैसी हो, कम हो 180 से, सिंपल सी बात है, 180 से कम है तो जोड़ देंगे, ज़्यादा है तो घटा देंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ लिखा हुआ है नीचे इन क्यू बी एंगल सेम बट डायरेक्शन चेंज, इसका मतलब क्या देखिए, यहाँ तो डब्ल्यू सी बी में अगर आपको फॉर वियरिंग दे रखी हो तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर क्यू बी सिस्टम में आपको कोई भी फॉर वियरिंग दे रखी है, सपोज मैंने क्यू बी सिस्टम में फॉर वियरिंग दे दी, मैंने कह दिया कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट बोल दिया, तो ये किस में दे रखा है आपको, ये दे दिया आपको क्यू बी सिस्टम में, क्योंकि डायरेक्शन भी दे रखी है नॉर्थ और ईस्ट, समझ पा रहे हैं आप। अब आपसे कहा जाए कि आप इसकी मुझे बैक वियरिंग बताइए, तो यहाँ मैंने बैक वियरिंग के बारे में क्या लिखा है, क्यू बी एंगल सेम, यानी क्यू इन क्यू बी, इन क्यू बी का मतलब क्या, इन क्यू बी सिस्टम में, क्यू बी सिस्टम में जो एंगल होता है वो तो सेम रहेगा, यानी एंगल 30 डिग्री का 30 डिग्री रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, और डायरेक्शन कैसे बदलेगी, जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ तो साउथ कर देंगे, या फिर साउथ होगा तो नॉर्थ कर देंगे, यानी साउथ और नॉर्थ को एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ क्या था नॉर्थ था, हम क्या कर देंगे इसको साउथ कर देंगे, और जो ईस्ट होगा उसको वेस्ट कर देंगे, और अगर वेस्ट होता तो क्या कर देते, ईस्ट कर देते, समझ पा रहे आप, एंगल सेम रहेगा। तो ये फॉर वियरिंग थी, तो ये क्या हो जाएगी बैक वियरिंग। ऐसा कब करेंगे, जब आपको सिस्टम कौन सा दे रखा हो, सिस्टम दे रखा हो क्यू बी, यानी डायरेक्शन भी साथ में दे रखी हो, तो एंगल की वैल्यू नहीं बदलते दोस्तों, एंगल को सेम रखते हैं, केवल डायरेक्शन बदल देते हैं, नॉर्थ को साउथ कर देंगे, और साउथ होता तो नॉर्थ कर देते, ईस्ट को वेस्ट कर देते हैं, और वेस्ट होगा तो उसको ईस्ट कर देते हैं। आई होप सो आपको दोनों को एक दूसरे में चेंज करना आ गया होगा, ये छोटा सा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग के बारे में, तो आई होप सो आप इतना समझ गए होंगे कि फॉर वियरिंग बैक वियरिंग क्या होता है, इन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, कैसे इसको इंटरचेंज करते हैं। इस पर एग्जाम्पल आप एक दो लगा सकते हैं, आपकी बुक्स वगैरह में एग्जाम्पल दे रखे होंगे, या फिर मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो उसमें करा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, आप चिंता ना करें, ठीक है, पहले थ्योरी समझ लें आप। इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है फॉर वियरिंग बैक वियरिंग, आप समझ गए अच्छे से कि सर्वे लाइन की दिशा में अगर हम कोई काम करेंगे तो फॉर वियरिंग, उसके विपरीत दिशा में अगर एंगल नापेंगे तो बैक वियरिंग होगा। अगर आपको डब्ल्यू सी बी में कोई वैल्यू दे रखी है डब्ल्यू सी बी सिस्टम में, तो वहाँ पर आप फॉर वियरिंग से बैक वियरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 प्लस माइनस करते हैं, वैल्यू 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे, ज़्यादा है तो घटा देंगे, और अगर क्यू बी सिस्टम में दे रखा है तो केवल डायरेक्शन बदलेंगे, एंगल सेम रहता है। ये तो आप समझ गए। अब अगला टॉपिक की बात करते हैं, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एंड मैग्नेटिक डिप, यानी चुंबकीय
विकृति और चुंबकीय डुबकी, ये हिंदी वर्ड भाई बड़े अजीब से हैं, गूगल की तरफ से हैं ये ऐसे वर्ड, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप इंग्लिश वर्ड याद रखना प्लीज़, ठीक है। हिंदी मुझे भी इसकी पता नहीं रहती है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स अजीब रहते हैं, बुक से आप देख सकते हैं हिंदी, तो प्लीज़ करके सॉरी, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, आप इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप। तो डेक्लाइनेशन तो बिल्कुल सिंपल बात है, आपको मैंने कल बताया था मेरिडियन के बारे में, एक मैंने कहा था आपसे कि हमारे पास ट्रू नॉर्थ होता है, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, बताया था ना मैंने आपको। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ जो होते हैं दोस्तों, वे कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करते, क्योंकि कई क्षेत्रों में ऐसा चुंबक का बहुत प्रभाव रहता है, मैग्नेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है ये ट्रू नॉर्थ से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, या तो इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ऐसे करके इधर उधर चला जाता है ये। तो जब इधर उधर ये चला जाता है कौन, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, या तो बाई ओर चला जाएगा या दाई ओर, तो जब ये इधर उधर हट जाता है तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो कोण बनेगा यहाँ पर, उस कोण को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है, आप ये भी कह सकते हैं ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन कहेंगे। अब ये डिप क्या होता है, तो डिप की भी आप डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए, देखिए डिप की डेफिनेशन क्या है, डिप की डेफिनेशन है चुंबकीय सुई, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो पृथ्वी की सतह के बीच ऊर्ध्वाधर कोण को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, यानी कि एक तो हमारा ये हो गया अर्थ सरफेस, ठीक है, इसके साथ में कोई चुंबकीय सुई है तो वो जितना एंगल बनाएगी, सपोज मैं अगर बात करूँ इक्वेटर की, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, और ये पोल है दोनों, एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ, ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे साउथ पोल है। तो अगर हम पोल पर बात करें दोस्तों, तो पोल पर तो जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, एंगल ऑफ डिप का, यानी सुई जो होती है मैग्नेटिक नीडल वो 90 डिग्री बनाती है, और अगर हम इक्वेटर पर बात करें, इस इक्वेटर पर तो यहाँ बनता है केवल 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल, जो नीडल एंगल बनाती है, चुंबक वाली सुई पृथ्वी की सतह के साथ जो कोण बनाएगी दोस्तों, उस कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। समझ पा रहे हैं आप एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है आपके लिए कि जो बलों की चुंबकीय रेखा ध्रुवों पर, ध्रुव बोलते हैं पोल को, तो पोल पर जो एंगल ऑफ डिप होता है दोस्तों वो होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर पर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर जो एंगल बनता है डिप वो कितना होता है, 0 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया था अर्थ का सरफेस बनाइए आप, यहाँ पोल हो गया, पोल पर कितना बनेगा 90 डिग्री, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, और इक्वेटर पर कितना बनता है 0 डिग्री, दोनों को आप याद रखेंगे, डिप का एंगल पूछा जाता है SSC JEE के एग्जाम में। समझ पा रहे हैं आप, तो एंगल ऑफ डिप आप समझ गए जी, लिखा चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के बीच में जो वर्टिकल एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। आई होप सो इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या, ये दोनों हाईलाइट पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं आगे एंगल उसकी, किसकी बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन की। तो देखिए मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए जनरली, जनरल यहाँ से पढ़िए, जनरली मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से ठीक मेल नहीं खाता है, मतलब कॉन्साइड नहीं होते दोनों, एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलते। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन वो, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, अलग अलग रहते हैं, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में, यहाँ से पढ़िए, पृथ्वी पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में भिन्नता के कारण, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, भिन्नता के कारण मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के दाई या बाई ओर झुक जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैग्नेट का इफेक्ट रहता है, चुंबक का इफेक्ट रहता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो ट्रू मेरिडियन के या तो बाई ओर या फिर दाई ओर क्या होगा, झुक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो झुक जाएगा तो उससे फिर क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। बिल्कुल सिंपल सा है। आज थोड़ी सी दोस्तों गले में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ कॉपरेट करना, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से आप और अच्छे समझ सकते हैं, इस डायग्राम को देखिए आप, देखिए ये क्या था हमारा, ये था ट्रू नॉर्थ, या आप इसको ट्रू मेरिडियन बोल सकते हैं। अब ये सपोज डायरेक्शन थी ईस्ट वेस्ट की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ था, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये क्या हो गया, इस ट्रू नॉर्थ के ठीक ऊपर मेल नहीं खा रहा, बल्कि इसके किधर है, इसके दाई ओर इधर को झुक गया है। तो जब ये दाई ओर झुक गया तो इस मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, जिसको हमने डेल्टा से दिखा रखा है, इसी को हम डिफ्लेक्शन वो कहते हैं, सॉरी डेक्लाइनेशन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेक्लाइनेशन कहते हैं। तो आपसे जब भी एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप क्या बताएंगे कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, या फिर कह सकते हैं ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं दोस्तों हम क्या,
डेक्लाइनेशन, समझ पा रहे हैं? अब ये एंगल अगर दाई ओर खिसकेगा, दाई ओर से मतलब क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, आप पता है आपको ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब ये जो था आपका, ये नॉर्थ से जो मैग्नेटिक नॉर्थ इधर खिसक गया अगर किधर, ईस्ट की तरफ, दाई ओर ऐसे इधर को, तो ये जो आपका डेल्टा बना है इसको हम बोलेंगे ईस्ट की तरफ, है ना, इधर ईस्ट की दिशा में इधर को, तो इसे बोल देंगे ईस्ट बार्ड। क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट बार्ड, या फिर पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स अक्ष इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो इसीलिए आप क्या बोल देंगे, ध्यान से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ आपको एक बार। देखिए, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, यानी कि मैग्नेटिक ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो क्षैतिज कोण बनता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। अब देखिए अगला जो स्टार पॉइंट लिखा हुआ मैंने, ये क्या है, जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के दाई ओर यानी ईस्ट में झुकता है तो इसे कहते हैं हम ईस्ट बार्ड या फिर पॉजिटिव डेक्लाइनेशन। ठीक है, तो मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया भी था, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, व्हेन मैग्नेटिक वेंट्स टू द राइट इन ईस्ट ऑफ ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्ट बार्ड। ठीक है, अब सिंपल समझिए, सिंपल सिंपल, क्या जो ट्रू नॉर्थ के अगर दाई ओर इधर ईस्ट की दिशा में, इधर ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट होता है ना, इधर ईस्ट की तरफ अगर ईस्ट की दिशा में झुक रहा है, दाई ओर झुकता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ईस्ट बार्ड डेक्लाइनेशन या फिर पॉजिटिव डेक्लाइनेशन। समझ पा रहा? तो ये था। अब ये लाइन अगर किधर इस साइड को दूसरी साइड में इधर झुक जाती, इधर वेस्ट की तरफ, इधर वेस्ट होता है ना, इधर वेस्ट, वेस्ट की तरफ, या फिर आप बाई ओर बोल सकते हैं, इधर बाई ओर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपको पता है एक्स अक्ष इस साइड में नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव होता है तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव डेक्लाइनेशन बोल देंगे या फिर वेस्ट बार्ड डेक्लाइनेशन बोलेंगे। तो इसी को मैंने थ्योरी की फॉर्म में यहाँ लिख दिया, क्या कि जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के बाई ओर झुकता है तो इसे कहते हैं वेस्ट वार्ड या फिर नेगेटिव डेक्लाइनेशन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा दोनों क्या होते हैं, दाई ओर यानी कि अगर दाई ओर ईस्ट की तरफ झुकेगा तो ईस्ट वार्ड या पॉजिटिव डेक्लाइनेशन बोलेंगे, और अगर बाई ओर झुकेगा तो वेस्ट वार्ड या फिर नेगेटिव डेक्लाइनेशन बोलते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट याद रखेंगे आप, कि अगर आपसे वैल्यू पूछ ले, वैल्यू कैसे निकालेंगे डेक्लाइनेशन की, तो कह रहा है एक ही लाइन के मैग्नेटिक वियरिंग और ट्रू वियरिंग का निर्धारण करके हम मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमें ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन पता हो, कौन कौन सा, ट्रू वियरिंग और मैग्नेटिक, ट्रू वियरिंग और मैग्नेटिक वियरिंग पता हो, तो हम मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा डायग्राम देख लेंगे, यहाँ से डायग्राम से हम क्या फॉर्मूले निकाल देंगे इसके। तो देखिए यहाँ से ये हमने दिखाया क्या नॉर्थ डायरेक्शन है ट्रू नॉर्थ, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं आप? तो आपको पता है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इन दोनों के जो बीच का एंगल है इधर, इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा ई बोल रखा है, दिख रहा है आपको डेल्टा ई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है इसको डेल्टा बोलते हैं, डेक्लाइनेशन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सपोज इस लाइन की, ये कोई लाइन है और हमें इस लाइन की डेक्लाइनेशन की वैल्यू बतानी है, तो अब देखिए इस लाइन का जो एंगल होगा ट्रू नॉर्थ से, किससे, यहाँ से, ट्रू नॉर्थ ही है, इससे जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग बोलेंगे उसको, ठीक है, और जो मैग्नेटिक इससे, इससे जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एंगल है ये वाला, इतना, इस एंगल को हमने क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग, इसमें दोनों चीज़ आ रही है ट्रू बियरिंग में, क्या क्या, एक तो ये एंगल आ रहा है और एक ये एंगल आ रहा है, दोनों एंगल के सम के बराबर ही तो है ये, आप स्पष्ट देख सकते हैं डायग्राम को, लीजिए मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा, तो ये तो हो गया आपका ट्रू बियरिंग, जो कि कहाँ तक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अगर हम देखें ट्रू बियरिंग किसके बराबर रहेगा, तो ये रहेगा मैग्नेटिक वियरिंग और डेक्लाइनेशन के योगफल के बराबर, समझ पा रहे हैं आप? ये कब है, जब ये जो लाइन आपकी ईस्ट की तरफ है, ठीक है, अगर ये लाइन वेस्ट की तरफ होगी तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा बस। ये देखिए अगर, यानी कि जो आपकी जो डेक्लाइन, ये जो था मैग्नेटिक नॉर्थ जो था, अगर वेस्ट की तरफ रहेगा ये, तो क्या होगा इस केस में, देखिए लाइन, इस लाइन से लेकर के अगर यहाँ तक देखें तो ये आपकी ट्रू बियरिंग है, तो ट्रू बियरिंग को अगर आप क्या कर देंगे, ट्रू बियरिंग निकालने के लिए इसमें आप इस मैग्नेटिक वियरिंग में से अगर ये डेक्लाइनेशन माइनस कर देंगे तो आपको ये ट्रू बियरिंग मिल जाएगा इजीली, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए जब भी आपको, बस सिंपल सा याद रखना, क्या मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि अगर ये ईस्ट की तरफ है लाइन, यानी कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है आपका ईस्ट की तरफ है तो प्लस लेंगे, और अगर वेस्ट की तरफ है ये तो किधर कैसा लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं आप। इससे क्वेश्चंस आपको जब मैं कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, बस एक बार थ्योरी कंटेंट थोड़ा थोड़ा समझ लें, मैं आपको फिर करा दूंगा क्वेश्चन, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, तो इसके बारे में मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं। नोट पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन है वो इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डेक्लाइनेशन, यानी कि ये डेक्लाइनेशन में वेरिएशन कहलाता है, वेरिएशन मतलब बदलाव, चेंजिंग, ठीक है।
तो जो मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन होता है, ये जो एंगल था डेल्टा, ये हमेशा सेम नहीं रहता, बदलता रहता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो चेंज होता रहता है, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, कभी इधर चला गया, इधर चला गया, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए एंगल भी चेंज होता रहेगा, यानी कि डेक्लाइनेशन भी बदलता रहेगा। तो डेक्लाइनेशन का बदलना ही क्या कहलाता है, जो स्थिर ना रहना, कॉन्स्टेंट ना होना कहलाता है वेरिएशन इन डेक्लाइनेशन। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं वेरिएशन, एक तो डेली वेरिएशन होता है, डेली वेरिएशन मतलब क्या है कि वो हर 24 घंटे में चेंज होगा, ठीक है। तो डेली वेरिएशन मतलब जो 24 घंटे में बदलता रहता है। तो इसकी वैल्यू गर्मियों में ज़्यादा होती है और विंटर में कम होती है, ठीक है, समर में ज़्यादा होगी और विंटर में कम। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSCJEE में, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक पिन पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अगर अगला नोट पॉइंट देखा तो दूसरा होता है ईयरली वेरिएशन। ईयरली मतलब आप सीधे जानते हैं, एक साल यानी हर साल के बाद अगर चेंज हो रही है डेल्टा की वैल्यू तो उसे कहेंगे ईयरली वेरिएशन। इसके बाद आगे देखें हम तो आगे है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन मतलब क्या, वेरिएशन कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय के लिए अगर बदलाव लगातार चलता ही जा रहा है तो उसे सेकुलर वेरिएशन कहते हैं। समझ आ गया। ये वेरिएशन JEE के सिलेबस में है, आई थिंक सो डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है वेरिएशन, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए एक और लास्ट था हमारा क्या, इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर का मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उत्पन्न होता है, ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण उत्पन्न होगा उसे इरेगुलर वेरिएशन कहते हैं। नीचे इनकी हिंदी आप हिंदी में खुद से पढ़ लीजिएगा। दैनिक भिन्नता मतलब जो डेली बदलाव होगा 24 घंटे पर होता है। वार्षिक भिन्नता, एक साल बाद जो बदलाव होता है वो एक एक वर्ष के बाद होता है। और बाकी आप पढ़ लेंगे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे ये तीन इंपॉर्टेंट है, पहले दोनों को समझ लीजिए। पहले दोनों क्या है, एक तो है कौन सा, एगोनिक लाइन और एक है आइसोगोनिक लाइन। तो एगोनिक लाइन का मतलब होता है दोस्तों जहां पर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो, डेल्टा मतलब जो डेक्लाइनेशन था उसकी वैल्यू जीरो हो, तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, यानी लाइन पासिंग फ्रॉम द जीरो डेक्लाइनेशन, जब डेल्टा की वैल्यू जीरो हो तो उससे होकर के जो लाइन पास होगी उसे कहेंगे एगोनिक लाइन, समझ पा रहे हैं। और जब डेल्टा की वैल्यू सेम रहे हर एक पॉइंट पर, डेल्टा वन डेल्टा टू हर जगह सेम रहे, ये सब बराबर रहे, तो उस लाइन को क्या कहेंगे हम, आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। तो लाइन पासिंग फ्रॉम द जीरो डेक्लाइनेशन उसे तो क्या कह देंगे हम, एगोनिक लाइन। और लाइन पासिंग फ्रॉम द, या पासिंग लिख लेना आप, लाइन्स पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेम डेक्लाइनेशन, सेम डेक्लाइनेशन से पास होती है तो उसे कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। ये एगोनिक और आइसोगोनिक की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंक्लूडेड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है और आई होप सो लास्ट टॉपिक होगा शायद ये इसका, कंपास सर्वे का एक और है, लोकल अट्रैक्शन और होगा इसमें एक। पहले आप देखते हैं इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, इसको अंतर्गत कोण कहते हैं आई होप सो हिंदी में, तो आप याद रखेंगे। नीचे भी सबकी हिंदी है, परेशान ना हो, पहले इंग्लिश में देख लें एक बार। कैन बी आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो इंटीरियर भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है, और एक्सटीरियर मतलब बाह्य भी हो सकता है। जैसे सपोज ये कोई हम क्या किए, ए से बी की तरफ गए और ए से सी की तरफ, यहाँ पर तो ये अंदर वाला एंगल भी हो सकता है इंक्लूडेड एंगल, और बाहर का भी हो सकता है, यानी दोनों तरह का हो सकता है। ऐसे नहीं कहेंगे हम कि इंटीरियर एंगल को ही हम इंक्लूडेड बोलें, तो ये इंटीरियर भी हो सकता है एक्सटीरियर भी हो सकता है, ठीक है। इतना है इंक्लूडेड एंगल के बारे में। अब देखिए इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रावर्स के बारे में दिखा रखा थोड़ा सा, ये तो ये मैं ट्रावर्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझा दूंगा। ट्रावर्स कुछ नहीं है, बस ट्रावर्स एक पाथ होता है जिसे आप चक्रण कहते हैं हिंदी में, चक्रण पूरा चैप्टर है ट्रावर्स का। इसलिए मैंने आपको कंपास सर्वे में ट्रावर्स की भी तो कोई बात नहीं की है, मैं आपको ट्रावर्स सर्वे अलग से पढ़ाऊंगा, वहाँ समझ लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इतना समझ लें, अगर हम जो सर्वे काम कर रहे हैं, सर्वे का कार्य जो कर रहे हैं दोस्तों हम, अगर वो क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ से आगे चल रहे हैं, ए से चले बी की तरफ, जैसे घड़ी की सुई की दिशा चलती है ना, उस तरह क्लॉकवाइज अगर हम घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज के कंडीशन में जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, जैसे हम यहाँ से शुरू किए चलना, ऐसे आगे को चलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसमें जो बाहर वाला एंगल होगा ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ए से इस साइड को आए घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है, ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, जो अंदर वाला एंगल रहेगा इंटीरियर एंगल को कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। इंटीरियर से मतलब क्या हो गया, जैसे हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हम पहले कहाँ से चले, यहाँ से इधर चले फिर इधर आए ऐसे, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो जो अंदर वाला एंगल है उसको कह देंगे इंक्लूडेड एंगल। इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में इतना था। देखिए हिंदी मैंने यहाँ दिखा रखी है किसकी, एगोनिक लाइन को, एगोनिक लाइन ही लिखा है हिंदी में, इसका टेक्निकल वर्ड मुझे एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं हिंदी लिख दिया, शून्य डेक्लाइनेशन से गुजरने वाली रेखा एगोनिक लाइन होगी। आइसोगोनिक लाइन क्या होती है,
जो एक ही डेक्लाइनेशन के बिंदु से गुजरे, यानी सेम डेक्लाइनेशन से गुजरती है, और अंतर्गत कोण जो इंक्लूडेड एंगल वो क्या होता है हिंदी में, या तो आंतरिक होगा या फिर बाहरी होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ये इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि आगे वाली, जैसे सपोज सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, दो लाइन है ये, तो यहाँ से ए बी सी ये पॉइंट है, और मैंने कहा आप इस लाइन का मुझे क्या बताएंगे, जैसे हमने यहाँ से और आगे को ऐसे काम करना शुरू किया, तो मैंने कहा आप मुझे इसका इंक्लूडेड एंगल बताओ, तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है वैसे घड़ी की सुई चलती है, उस दिशा में आगे को बढ़ते जाएंगे, तो उसमें जो आगे वाली लाइन होगी, जैसे यहाँ पर दो लाइन थी, कौन कौन सी लाइन है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ से देखिए आप, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, तो जैसे दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो ए से बी और बी से सी, तो आप क्या करेंगे, पहले बी सी जो लाइन होगी, इस बी सी लाइन की तो फोर बियरिंग लेंगे, आगे वाली लाइन नेक्स्ट लाइन ये तो बी सी, बी सी लाइन की फोर बियरिंग और इस ए बी लाइन की बैक बियरिंग, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, इंक्लूडेड एंगल निकल आएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आपको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ इन दोनों के बारे में, आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, नोट पॉइंट भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, कि इफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑब्टेन देन एड 360, अगर हमारी जो वैल्यू है, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर बियरिंग लेंगे नेक्स्ट लाइन का और माइनस बैक बियरिंग लेंगे किसका, प्रीवियस लाइन का, पहली वाली लाइन का, पिछली लाइन का, तो इन दोनों का अंतर अगर कैसा आएगा, माइनस में आता है, तो हम 360 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसमें वैल्यू में, इस पॉइंट को याद रखना आपको सिंपल एक। और यहाँ मैंने दिखा रखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, यानी जो बहुभुज होते हैं, कोई बहुभुज आपने बना रखा है, उसके अगर सभी आंतरिक कोणों का योगफल निकाले हम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 × 90 डिग्री, स्टार की जगह मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, अगर बाहर वाले जो पॉलीगन के बाह्य कोण होते हैं उन सब का योगफल निकालना है, तो इसको 2n+4 बोलते हैं, गुणा में 90 डिग्री, ठीक है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, मैं अभी एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, बस देखते रहिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, कोई एक क्लोज ट्रावर्स है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्लोज ट्रावर्स है, और इनके आपको लाइन दे रखी है, फॉर बियरिंग दे रखी है और बैक बियरिंग दे रखी है, तो इनके हिसाब से पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। जैसे ए बी लाइन है कोई, तो आप पहले ए बी लाइन खींचेंगे, तो देखिए ए बी लाइन मैंने यहाँ खींच रखी है, ये देखिए ए बी लाइन, ए बी लाइन में मैंने क्या दिखा रखा है, यहाँ पर जो ए बी लाइन है, ए से बी की तरफ हम यहाँ गए, तो नॉर्थ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 का, क्योंकि इसकी फॉर बियरिंग कितनी दे रखी है, इसमें देखिए ध्यान से 40 डिग्री दे रखी है ए बी लाइन की फॉर बियरिंग, ए बी की फॉर बियरिंग क्या बताया था मैंने, ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन की फॉर बियरिंग का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ से जो ये एंगल कार्य की दिशा में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा फॉर बियरिंग, बना दिया ए बी की फॉर बियरिंग, ठीक है। इसके बाद आगे बी सी की बात करें, बी से सी की तरफ जाए तो कितना, 70 दे रखा था, नॉर्थ से इसको 70 डिग्री बना दिया। इसके बाद तीसरा सी डी कितना था, सी से डी की तरफ क्लॉकवाइज चलते रहना है आपको, तो इसमें नॉर्थ से जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 210, तो 210 बना दिया ये। इसके बाद डी से ए की तरफ जाएंगे, डी ए की बात करें तो कितना, 280, तो डी से ए के लिए हमने 280 बना दिया ये वाला एंगल, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा क्लोज ट्रावर्स बन गया, ए बी सी डी ये बन गया। अब इसके बाद आपको बैक बियरिंग भी किस में दे रखी है, ये देखिए बैक बियरिंग क्या दे रखी है, 220, 250, 30 और 100, ये फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दे दी। अब आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर दोस्तों इंक्लूडेड एंगल पूछा है, तो पहले आप ए बी लाइन का इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, ए बी का, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था जो इंक्लूडेड एंगल होता है, जैसे मैं पॉइंट ए पर निकालना है, इस पॉइंट ए पर इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, तो इंक्लूडेड एंगल पॉइंट ए पे होगा फॉर बियरिंग ऑफ ए बी, यानी कि जिस किसी भी पॉइंट पे आप इंक्लूडेड एंगल निकालें दोस्तों, उससे आगे वाली लाइन का तो क्या लेंगे, आप फॉर बियरिंग लेंगे, और उससे पीछे वाली लाइन का क्या लेंगे, बैक बियरिंग लेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, समझ पा रहे हैं। तो आप ए पे निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, ए के आगे ए बी था, तो ए बी की तो फॉर बियरिंग, और जो इससे पीछे थी कौन सी, डी ए कह दो आप या ए डी कह दो, इसकी बैक बियरिंग, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो आपको यहाँ पर टेबल में दे रखा है दोनों की वैल्यू। अगर हम ए बी की फॉर बियरिंग की बात करें तो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40, और अगर हम इसकी किसकी ए डी की बात करें, ए डी की बैक बियरिंग दे रखा है 100, तो 40 - 100 हम करेंगे यहाँ से, तो हमने 40 - 100 किया तो कितना आया, माइनस का 60 आया, और मैंने बताया था जब भी वैल्यू माइनस में आएगी तो क्या करेंगे, 360 अपनी तरफ से जोड़ देंगे, जब आप -60 + 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 300 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यानी ये जो 300 डिग्री आ गया इधर का, इसको कह देंगे हम इसका इंक्लूडेड एंगल पॉइंट ए पर। ऐसे ही दोस्तों आपको निकालना पॉइंट बी पर। अब आप खुद बताइए मुझे, जब आप पॉइंट बी पर निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल, तो फॉर बियरिंग कौन सी लाइन की लेंगे, तो इससे आगे वाली लाइन कौन सी, बी सी, तो बी सी की तो क्या लेंगे आप, फॉर बियरिंग, और इससे पीछे कौन सी लाइन है, ए बी,
और ए बी की क्या लेंगे आप, बैक बियरिंग, और दोनों को कर देंगे माइनस। तो बी सी की फॉर बियरिंग और ए बी की बैक बियरिंग। देखिए बी सी की फॉर बियरिंग क्या है, तो बी सी की अगर आप फॉर बियरिंग देखें तो 70 है, और अगर ए बी की बात करें, ए बी जो लाइन थी, ए बी की बैक बियरिंग कितनी है, 210 है। तो 70 में से आप माइनस करेंगे 210, कितना बचेगा, ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, फिर उसमें 360 जोड़ देंगे। तो देखिए इसी तरह किया हमने, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या किया, बी पॉइंट पे निकाले आई बी, मतलब इंक्लूडेड एंगल बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फॉर बियरिंग ऑफ बी सी, जो आगे आ रही थी बी के लाइन, यानी यहाँ पर बी था, बी के आगे वाली लाइन क्या थी, बी सी, और इसके पीछे वाली लाइन क्या थी, ए बी। तो बी सी का तो क्या लेंगे, फॉर बियरिंग, जो कि 70 दे रखा था, और ए बी की क्या लेंगे, बैक बियरिंग, जो कि -220 थी। तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए हमने इसमें 360 जोड़ दिया, और जो आंसर आ गया कितना आ गया, 210। तो बी पॉइंट पे निकाल दिया हमने। ऐसे अगर मैं कहूँ आपसे सी पॉइंट पे बताइए आप, अब देखिए खुद देखिए, कोशिश कीजिएगा, इस सी पॉइंट पे बताना है आपको। तो क्या करेंगे, सी से आगे वाली लाइन की तो फॉर बियरिंग किसकी, सी डी की, सी डी की तो क्या लेंगे आप, सी डी की लेंगे, सी डी की फॉर बियरिंग, ठीक है। थोड़ा छोटा करके देख लीजिए आप, यहाँ देखिए सी से डी की तरफ आगे जा रहे हैं, तो सी डी की क्या लेंगे, फॉर बियरिंग। सी डी की फॉर बियरिंग कितनी है, 210 है, ठीक, दिख रहा है यहाँ 210 है ये, 210। इसके बाद और बैक बियरिंग किसकी लेंगे, सी से पीछे वाला पॉइंट ये बी सी, बी सी की बैक बियरिंग कितनी है, 250। तो 210 में से माइनस करेंगे 250, तो माइनस का 40 बचेगा, जब माइनस 40 बचेगा तो इसमें फिर से आप 307 जोड़ देंगे, जब भी माइनस में वैल्यू आती है, तो 320 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सी पॉइंट पर कितना आ रहा है, तो देखिए सी पॉइंट पर 320 आ रहा है, ठीक है। सी डी का क्या निकाली, माइनस 210 रखा माइनस में, बी सी की बैक बियरिंग कितनी है, 250 है, 307 जोड़ दिया हमने, कितना आ गया है, 320 डिग्री आ गया आंसर। अब डी पॉइंट पे आप खुद निकाल के देखिए आप एक बार, डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट है, कोशिश कीजिएगा, डी पॉइंट ये है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ देख लीजिए, यस डी पॉइंट पे देखिए, डी पॉइंट ये है। अब इससे जो आगे वाली लाइन है कौन सी है, डी ए कह दो या ए डी कह दो आप, तो डी ए की तो लेंगे फॉर बियरिंग, डी ए की फॉर बियरिंग कितनी है, 280, 280 ले लेंगे। माइनस क्या करेंगे इसमें से, जो पीछे वाली लाइन थी क्या थी, सी डी, सी डी की बैक बियरिंग लेंगे, तो सी डी की बैक बियरिंग कितनी है, सी डी, सी डी की तरह ये रहा सी डी, सी डी की बैक बियरिंग 30 है, 30 ले लेंगे। तो आप 280 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 250 बचेगा। अब ये प्लस में आया है तो डायरेक्ट आंसर 250 ही हो गया, इसमें आपको 360 नहीं जोड़ना है, अगर माइनस में आता तो 360 जोड़ते हम। तो आई होप सो आपको, देखिए यहाँ पर दिखा रखा कितना आया, 250 आया, आई होप सो आपको। अब इंक्लूडेड एंगल में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कैसे निकालना है आप समझ गए होंगे, किसी भी पॉइंट का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, उस पॉइंट से आगे वाली लाइन की तो फॉर बियरिंग ले लेंगे दोस्तों, और माइनस कर देंगे उस लाइन से पीछे वाली जो लाइन है उसकी बैक बियरिंग को माइनस कर देते हैं, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो वही आंसर होगा, माइनस में आती है तो 360 डिग्री जोड़ देंगे। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से मैं ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जो मैंने आपको यहाँ येलो में दिखा रखा है कि फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन और बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, इन दोनों का माइनस कर देंगे, वो भी किधर, क्लॉकवाइज दिशा में, आगे को बढ़ते जाएंगे ऐसे, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, समझ पा रहे हैं आप। तो ये इंक्लूडेड एंगल था। अब एक लास्ट टॉपिक है बस छोटा सा, जिसका नाम है लोकल अट्रैक्शन, उसे और देख लेंगे, ठीक है, ये हम समझ गए थे। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं, आपने जो एंगल्स निकाले हैं सब सही है या नहीं, तो एक चेक का फॉर्मूला और दे रखा है मैंने यहाँ पर, क्या कि सम इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपने इंक्लूडेड एंगल निकाले थे, ये सभी जितने भी इंक्लूडेड एंगल निकल के आए हैं सब, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे, इन सबको आप जोड़ेंगे, कितने कितने आए थे, 300, थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ दिख रहा है 300, फिर 210, इसके बाद 320 और 250, इन सबको आप जोड़िए, और इन सबके योगफल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर आनी चाहिए, बाह्य बलों के योगफल के। तो हम इन सबको जोड़ा, 1080 आया, और बाह्य बलों का सम निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 2n + 4 गुणा 90। एन की वैल्यू कितनी थी, इस एन का मतलब इसमें भुजा कितनी थी इस ट्रावर्स में, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ इसमें 4 भुजा थी, तो एन की जगह आप 4 रख देंगे यहाँ पर, तो आपने एन की जगह जब दोस्तों 4 रख दिया यहाँ पर, तो 2 × 4 + 4 कितना होगा, 4 × 2 = 8, और 8 × 4 = 12, और 12 में अगर आप 90 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये भी कितना आएगा, 1080, और ये भी 1080 था। इस तरह से आपका चेक भी होगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है कंपास सर्वे का, इसकी बात करते हैं, वो है आपका लोकल अट्रैक्शन। क्या होता है लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन को हिंदी में शायद लोकल अट्रैक्शन, यार हिंदी थोड़ा आप बुक से देख लेना प्लीज, मुझे टेक्निकल वर्ड्स हिंदी में कम याद है तो उसके लिए सॉरी। अट्रैक्शन मतलब तो आकर्षण होता है, लोकल का कुछ आप देख लेना, हो सकता है यहाँ कहीं लिखा हो तो ठीक है। देखिए कुछ क्षेत्रों में कभी कभी चुंबकीय सुई बाहरी आकर्षण बलों के कारण मैग्नेटिक से थोड़ा इधर उधर भटक जाती है, लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है,
यानी कि अगर आप किसी भी लोकल क्षेत्र में देखे हैं तो वहाँ पर जो उसकी चुंबकीय सुई का जो इफेक्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के ऊपर नहीं रहते, वो लोकल अट्रैक्शन के कारण ही तो हो रहा था वैसा। यानी कुछ क्षेत्रों में कभी कभी चुंबकीय सुई बाहरी आकर्षण बलों के कारण, जो बाहर से आकर्षण बल लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, उनके कारण मैग्नेटिक से थोड़ा इधर उधर भटक जाती है। और सुई के इस प्रकार भटकने को ही हम क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन कहते हैं, कि वहाँ पर कुछ लोकल प्रभाव, लोकल आकर्षण का कुछ प्रभाव है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। अब लोकल अट्रैक्शन के कारण बियरिंग शुद्ध प्राप्त नहीं होती, इससे फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग दोनों में एरर आ जाती है, परंतु इंक्लूडेड एंगल एरर फ्री रहता है, यानी कि केवल फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में ही एरर आएगी, बाकी आपका जो अभी आपने इंक्लूडेड एंगल निकाला इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इंग्लिश में क्या है। इन सम एरियाज, यानी कुछ क्षेत्रों में, समटाइम्स द मैग्नेटिक नीडल्स, यानी समटाइम्स का मतलब कुछ कभी कभी कह सकते हैं आप, समटाइम मतलब कभी कभी, द मैग्नेटिक नीडल डेविएट्स स्लाइटली फ्रॉम द मैग्नेटिक ड्यू टू एक्सटर्नल अट्रैक्शन फोर्सेस, दस द नीडल वॉन्डरिंग इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन द वियरिंग इज नॉट ऑब्टेंड प्योर, दिस केस एरर इन बोथ फॉर वियरिंग एंड बैक वियरिंग, बट द इंक्लूडेड एंगल एरर आर फ्री। वही बात कर रहा जो हिंदी में लिखा हुआ, पर आप समझ सकते हैं इजीली। मैंने ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख दिया, बाकी आप हिंदी वाले समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दोस्तों, अगर इन दोनों का अंतर किसी भी पॉइंट पे कितना आ जाता है, 180 आ जाता है, तो उसको बोल देंगे हम वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, कि उस जगह पर लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यानी फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर अगर 180 डिग्री आता है तो वहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है तो समझ लीजिए लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, वहां पर होता है लोकल अट्रैक्शन। समझ जाएंगे ना आप, जैसे अभी मैंने आपको जो ट्रावर्स लिया था, अगर आप इस ट्रावर्स में बात करें फॉर बियरिंग बैक बियरिंग का, अगर डिफरेंस देखें आप, तो यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंस देखिए 280 में से 100 घटाइए आप, तो अगर आप डीए लाइन की बात करें तो डीए लाइन में कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। आप इसमें देखें तो इसमें देख लीजिए आप, 210 में से 30 घटाइए तो ये भी 180 आ रहा है। आप 250 में से 70 घटाइए तो ये कितना आएगा दोस्तों, जब आप इसमें से 70 घटाएंगे ये भी 180 आएगा। और 240 में से आप 40 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, 180 ही आएगा। मतलब ये जो ट्रावर्स था हमारा, इस ट्रावर्स में बिल्कुल भी लोकल अट्रैक्शन नहीं था। लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर होगा, जब फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 180 नहीं आएगा, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा आप क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। समझ गए ना आप लोग, तो ये था लोकल अट्रैक्शन के बारे में दोस्तों। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये कंपास सर्वे की जो थ्योरी थी दोस्तों, ये हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो आपका जो चैनल है जी टेक पॉली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लाता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हों तो प्लीज़ करके कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड करके नोट्स को पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ट्रावर्स सर्वे, यानी कि जो हम चक्रण होता है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।